नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के साथ ये तय हो गया है कि एक बार फिर फडणवीस सरकार सत्ता में लौटने जा रही है, लेकिन ये जीत भी बीजेपी को सालती होगी, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटें जीतने वाली बीजेपी 99 के फेर में पड़ती दिख रही है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को इस चुनाव में करारी हार मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे परली विधानसभा क्षेत्र चुनाव हार गई है। फडणवीस सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री रही पंकजा मुंडे ने लगता है अपने क्षेत्र की जनता का कल्याण नहीं किया, इसलिए परली के लोगों ने पंकजा मुंडे को किनारे कर दिया। उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे को जिता दिया है। धनंजय मुंडे को शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने टिकट दिया था। खबर लिखे जाने तक बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को 91,413 वोट मिले, जबकि एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे को 1,22,114 वोट मिले। पंकजा मुंडे के लिए वोट मांगने खुद पीएम मोदी रैली करने गए थे, लेकिन फिर भी पंकजा मुंडे को हार से नहीं बचा पाए। मंत्री रहते पंकजा मुंडे पर करीब 206 करोड़ के चिक्की घोटाले का भी आरोप लग चुका है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी से क्लीन चिट मिल गई थी। इसके पहले उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत मिली थी। बता दें, महाराष्ट्र के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के एक ही दिन में की गई 206 करोड़ रुपयों की खरीद को नियम विरुद्ध बताते हुए कांग्रेस ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हमारी महायुति को जो एक यश मिला है और लोगों ने जो जीत हमको दी है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बड़ा ही स्पष्ट मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने हमारे अलायंस को, हमारी महायुति को यहां पर दिया है, और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभारी हूं। मैं साथ ही में आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, साथ ही में हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का और हमारे कार्याध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, कि जिन्होंने इस पूरे चुनाव में हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा हौसला भी बढ़ाया। मैं साथ में आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे महायुति के जो नेता है, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी का, हमारे आरपीआई के रामदास आठवले जी का, हमारे विनायक मेटे जी का, सदाभाऊ खोत जी का, महादेव जानकर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन सभी ने इस चुनाव में बहुत सहकार्य किया और उसके कारण एक बड़ा ही अच्छा मैंडेट हमको यहां पर मिला है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 105 के करीब सीटें अभी दिखाई पड़ रही है, कुछ आगे पीछे होगी, और सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। हमारे साथ में हमारे गठबंधन के लोग, शिवसेना, ये सारे हम सभी को अच्छी सीटें मिली है। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। इस बार हम 150 सीटें लड़े और हमारे साथी 14 सीटें लड़े हैं और हमारी 105 सीटें आई है। इसका मतलब यह है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%, अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के जो कुल वोट है, उन वोट में हमको 28% वोट मिले थे 260 सीटें लड़कर, और हमको तकरीबन 26% वोट मिले हैं मात्र 150 सीटें लड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है, स्ट्राइक रेट भी मिला है। और सीटों में मैं ये मानता हूँ कि कुछ सीटें हमारी कम हुई है क्योंकि हम कम सीटें लड़े। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो
जनता ने बड़ा डिसाइसिव इस प्रकार का मैंडेट दिया है, जनता को हमसे अपेक्षाएं हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इन अपेक्षाओं को आने वाले 5 वर्षों में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जहाँ तक हमारे अपोजिशन का सवाल है तो हमारी सीटें कुछ कम हुई है, लेकिन अपोजिशन की कोई बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ी है ऐसी परिस्थिति भी दिखाई नहीं पड़ती। मूल रूप से बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने खिलाफत की थी, कुछ लोग ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़े थे, कुछ शिवसेना से भी लड़े थे, कुछ बीजेपी से भी लड़े थे, कुछ उनके खिलाफ लड़े थे, कुछ हमारे खिलाफ लड़े थे, ऐसे बहुत लोगों ने विजय पाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनकर आए हुए हैं इनमें से अभी तक तकरीबन 15 लोगों ने मुझसे बातचीत की है, मेरी भी उनसे बातचीत हुई है, और ये 15 लोग हमारे अलायंस के साथ आएंगे। इसमें से कई लोग हमारे रेगुलर कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उनको टिकट नहीं दे पाए या सीटें कई शिवसेना के पास गई, कई हमारे पास आई, तो ऐसे में ये लोग चुनकर आए हैं, ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ा डिसाइसिव इस प्रकार का हमारा मैंडेट होगा, एक महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए मजबूत सरकार हम देंगे। वैसे महाराष्ट्र में ये कई दशकों के बाद हो रहा है कि 5 साल पूरी करके एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस चुनकर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का परिवर्तन महाराष्ट्र के मैंडेट में हमको दिखाई पड़ता है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और फिर एक बार हम सभी की ओर से महाराष्ट्र की जनता के जनादेश को स्वीकृत करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक उनकी जो अपेक्षाएं है उन अपेक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। उद्धवजींची पत्रकार परिषद मी नीट ऐकली आहे, आमचं जे ठरलेलं आहे त्यानुसारच आम्ही पुढे जाणार आहोत। जे ठरलं आहे ते तुम्हाला योग्य वेळी कळेल, आमचं जे ठरलं आहे ते तुम्हाला योग्य वेळी कळेल। जे ठरलं आहे भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं जे ठरलेलं आहे त्यानुसारच पुढे जाऊ। मला असं वाटतं, एक मिनटं, हा प्रश्न या प्रश्नात यापेक्षा वेगळं उत्तर तुम्हाला मिळणार नाही आहे। तुम्ही किती फिरवून विचारलं तरी तेच उत्तर आहे, आमचं ठरलेलं आहे त्यानुसार आम्ही पुढे जाणार आहोत, ते योग्य वेळी तुम्हाला कळेल। यापेक्षा वेगळा प्रश्न असेल तर विचारा। नाही, असं आहे की आमच्याकरता हा देखील एक धक्का आहे, असं आहे ते येऊन गेले खरं आहे। आता आपल्याला वेगळे तऱ्हेने पाहता येईल की मुंबईमध्ये माननीय पंतप्रधान आले, सगळ्या जागा आमच्या आल्या, सेनेचे जवळजवळ सगळ्या जागा आल्या, किंवा नाशिकला पंतप्रधान येऊन गेले तिथे सगळ्या जागा आल्या, म्हणून तसं त्याला पाहता येत नाही। पण हे खरं आहे की आमच्याकरता देखील हा धक्का आहे की या ठिकाणी पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाला, त्याचं आम्ही निश्चितपणे विश्लेषण करू। असं आहे की त्यांनी पहिल्यांदा हे विश्लेषण केलं पाहिजे की त्यांनी तर सांगितलं होतं की ते निवडून येणार आहेत, त्यांनी तर सांगितलं होतं की ते पूर्ण स्वीप करतायत, अशी कुठली परिस्थिती नाही। आम्हाला जो पडलेला फटका आहे, त्यांच्या जागा तर थोड्याशाच वाढलेल्या आहेत, आम्हाला जो पडलेला थोडासा फटका आहे तो बंडखोरांमुळे आहे, ते स्पष्ट दिसत आहे, ते निवडून आलेले आहेत त्याच्यामुळे तो फटका दिसतो आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी फार आनंदित होण्याची काही आवश्यकता नाही आहे, अशी परिस्थिती कुठेही नाही आहे, सरकार आमचंच येत आहे आणि ते सरकारपासून फार दूर आहेत।
इतना बड़ा सेटबैक मानते हैं, और दूसरा ये कि सम समान वाकअप जो आपने शब्द यूज किया था लोकसभा के पहले प्रश्न पत्र से, उसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने मराठी में बताया, अभी हिंदी में भी बता देता हूँ, यानी आपका एक सवाल खत्म हो जाएगा। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। दूसरा